नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। हम अभी बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली आवरली और वीकली कैंडल चार्ट के बारे में। तो निफ्टी अभी लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। मैंने जो ये आपका ट्रेंड लाइन खींचा था वहां पे देखिए प्राइस रजिस्ट हो रहा है, तो आने वाले समय में फिर से मार्केट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। आपको अगर न्यूज़ मिला नहीं है तो मैं बता दूँ कि US में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। तो क्लियर सी बात है, ये एक हायर हाई बनाया था, नेक्स्ट टाइम हायर हाई नहीं बना पाया, राइजिंग वेज बना के तोड़ रहा है। आप अगर डेली कैंडल चार्ट में राइजिंग वेज नहीं देख पा रहे हैं तो 15 मिनट चार्ट में या फिर आवरली चार्ट में आपको क्लियरली राइजिंग वेज देखने के लिए मिलेगा। कल रात में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियरली पता चल चुका होगा कि मार्केट नेगेटिव खुलने वाला है। मैं बता रहा था मार्केट चौपी रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही मार्केट गिरा है। अभी मार्केट को अगर देखें, निफ्टी वही रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर वापस आ रहा है 27 मिनट से एक आवर बनने के लिए। अभी 15 मिनट चार्ट को अगर मैं देखूं तो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस लेवल में इन्वर्टेड हैमर बना चुका है, 20 मूविंग एवरेज को टच करके वापस आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव ट्रेंड मैं सोच रहा हूँ। तो अगर अभी आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे के लिए 17,362 या फिर अगर ये लो तोड़ देता है तो और भी नीचे आ सकता है। मैं आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ, देके चल रहा हूँ तकरीबन 17,180 तक आ सकता है मार्केट। हो सकता है आज ना आए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़ोर से पिटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव हूँ। अभी इंट्राडे में भी आप ये पोजीशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।